प्रतिपादिते च आत्मसद्भावे संशया निवृते रीति। तो आत्मा का प्रतिपादन करने के लिए जो आपने पिछले 15 सूत्रों में जो वर्णन किया है, तो आत्मा के सद्भाव का तो प्रतिपादन कर दिया, लेकिन संशय अनिवृत्ते रीति पर, नित्य है या अनित्य ये संशय तो बना ही हुआ है, इसकी निवृत्ति तो अभी आपने नहीं की, तो इसलिए हमें संशय है कि ये नित्य है या अनित्य है। तो ये कह रहे हैं आत्म सद्भाव हेतु भी एव अस्य प्राग देह भेदाद अवस्थानम सिद्धम ऊर्धम अपि देह भेदाद अवतिष्ठते कुतः। कहा ये तो पीछे जो हमने आत्मा के सद्भाव के लिए जो हेतु दिए उसी से ही सिद्ध हो गया। कैसे हुआ? आत्म सद्भाव हेतु भी एव अस्य देह, अस्य देह प्राक, इस शरीर से पहले भी आत्मा था ये पता लग गया, और देह भेदाद सिद्धम अवस्थानम, और इस शरीर के भेद के बाद, नष्ट होने के बाद भी ये आत्मा रहता है, तो ये तो पहले ही सिद्ध है। ठीक है, देह भेदात प्राक, शरीर छूटने से पहले भी था ये, और सिद्धम ऊर्धम अपि अवस्थानम, और ये शरीर नष्ट होने के बाद भी ये रहेगा। तो देह भेदाद अवतिष्ठते, शरीर के भेद के बाद भी रहता है और पहले भी था, तो इससे नित्य है ही, सिद्ध हो ही गया। तो बोलिए कैसे पता लगा आपको कि इस शरीर से पहले भी ये था और इस शरीर के बाद भी रहेगा, ये कैसे पता लगा, कुतः कैसे पता लगा? तो उसका उत्तर दे रहे हैं, पूर्वाभ्यस्त स्मृत्यनुबंधात् जातस्य हर्ष भय शोक संप्रतिपत्ते है। कहें ये पहले का ही तो अभ्यास है, पूर्व अभ्यस्त, पहले का अभ्यास होने से, पूर्व जन्म का अभ्यास होने से, और स्मृति अनुबंधात, और स्मृतियों का अनुबंध होने से, स्मृतियां भी जुड़ी हुई हैं पिछली, तो इसलिए जातस्य ये जो पैदा होने वाला बच्चा है इसको हर्ष भय शोक संप्रतिपत्ते, हर्ष भय और शोक की संप्रतिपत्ति होती है। छोटा बच्चा है ना, तो वो पलने में सोए सोए कभी तो बड़ा हर्षित होने लगता है, हंसने लगता है बिना ही किसी कारण के अपने आप, और कभी कभी भयभीत हो जाता है, एकदम से डर जाता है, ऐसे कांपता है बच्चा, और कभी कभी शोक करता है, रोने लगता है बिना ही किसी कारण के। तो तरह तरह के मुंह बनाता रहता है छोटा बच्चा पलने में सोया सोया। तो इससे क्या पता लगा? तो कहते हैं ये पूर्व जन्म के किन्हीं उनको याद करता है, तो जब उसको कोई सुखदायी स्मृति आती है तो हंसने लगता है, और जब उसको कोई दुखदायी स्मृति आ जाती है तो रोने लगता है, और जब कोई ऐसी स्मृति आती है जिसको उसको डर लगे तो भयभीत हो जाता है। तो ये पूर्व जन्म की स्मृतियां, तो इससे ये पता लगा कि कोई इस शरीर को प्राप्त करने से पहले ये आत्मा किसी अन्य शरीर में था, तो जन्म से पहले भी था, और जन्म से पहले यदि था तो इस शरीर के भेदन के बाद भी रहेगा, क्योंकि इस शरीर से पहले तो इसके पास दूसरा शरीर नहीं था, और उस शरीर का भेद होने के बाद ये था तभी तो इसमें आया। तो इससे पता लगता है कि ये आत्मा पहले भी था और बाद में भी रहेगा, तो नित्य है ये, ऐसा पता लगा। जात खलु अयम कुमार को अस्मिन जन्मनि अगृहितेषु हर्ष भय शोक हेतुषु हर्ष भय शोकान प्रतिपद्यते। जात खलु अयम कुमारक, ये जो पैदा होने वाला कुमार है, ये जो बच्चा है, तो कह रहे हैं अस्मिन जन्मनि अगृहितेषु, इस जन्म में तो इसने कोई हर्ष भय शोक के हेतु को गृहित नहीं किया। अगृहित हेतुषु अस्मिन जन्मनि, तो अगृहितेषु शोक हेतुषु अस्मिन जन्मनि, इस जन्म में शोक के हेतुओं को इसने ग्रहण किया ही नहीं, अभी तो ये पैदा ही हुआ है, लेकिन हर्ष भय शोकान प्रतिपद्यते, लेकिन हर्ष भय शोक को ये पहचानने लगता है, जानने लगता है। लिंगानुमेयान, जो अनुमान करने योग्य हैं, जो जो जिस तरह से ये हर्ष भय शोक करता है,
तो इसके उन उन चिन्हों को देख करके ये पता लगता है कि पीछे भी ये आत्मा था। तेज स्मृत्यानुबंधात उत्पद्यन्ते न अन्यथा। ये हर्ष भय शोक जो इसमें उत्पन्न हो रहे हैं, ये कैसे उत्पन्न हो रहे हैं? स्मृति के अनुबंध से उत्पन्न हो रहे हैं, अन्यथा नहीं हो सकते हैं। कुछ तो इसको स्मरण आता है पीछे का, और जैसे जैसे बड़ा होता है तो भूल जाता है। फिर ये भी तो देखो भगवान जी की कैसी व्यवस्था है। और कुछ कुछ बच्चे को तो 2-3 साल तक भी वो स्मृति भूलती नहीं है, तो बता देते हैं कि पिछले जन्म में हम वहाँ थे, वो हमारे माता पिता थे, वहाँ हमारा घर था, हमें वहाँ ले चलो। और कई बच्चों का देखा, उनको ले गए तो बिल्कुल सत्य सिद्ध हुआ। ऐसे हमारी मौत हुई थी, तो वो बताते हैं, हाँ इस घर में एक बच्चा था और ऐसे ही मौत हुई थी, और यही नाम था, अपना नाम भी बता देता है पूर्व जन्म का। तो कभी कभी स्मृतियाँ थोड़े लंबे काल तक चल जाती हैं, और किसी किसी की तो जल्दी खत्म हो जाती हैं, तो फिर वो भूल जाता है, पर बचपन में याद रहती हैं। तो ये हर्ष भय शोक आदि सब बच्चे करते हैं, तो भगवान की व्यवस्था से ही भूल जाता है, नहीं तो फिर बड़ा उसको चिंता हो जाए, इस जन्म वाला घर परिवार संबंधों की चिंता, फिर उससे पिछले वाले की चिंता, और फिर इसको संभालूं कि उसको संभालूं ये चिंता, और फिर पीछे वाले उसको स्वीकार ना करें कि ये तो था ही नहीं हमारे यहाँ, तो चिंता। तो भगवान ने ऐसा बना दिया कि वो पीछे का सब संस्कार रूप में तो रहेगा पर आपको याद नहीं आएगा, खाता क्लोज। तो एक तरीके से अच्छा है, एक तरीके से बुरा है। याद रहे कि वे पीछे ये करके आया था, तो अब की बार तो सावधान हो जाए कम से कम। और दूसरा ये है कि याद आए तो फिर ये सारी मुसीबतें हो जाएं, क्योंकि वो और राग डबल हो जाएगा फिर, क्योंकि अब वालों में एक राग और फिर पीछे वालों में, तो अब वाला राग ही नहीं छूट रहा है, तो और ज्यादा हो गया तो और ज्यादा कठिन होगा बोल रहे फिर। हैं अधिक है इसलिए ईश्वर ने व्यवस्था की है, इसलिए हमारे हानि अधिक है इसलिए ईश्वर ने व्यवस्था की। हाँ तेच स्मृत्यानुबंधात उत्पद्यन्ते नान्यथा। स्मृत्यानुबंधश्च पूर्वाभ्यासम अंतरेण न भवति। और यह स्मृतियों का अनुबंध कैसे हो सकता है? ये पूर्व अभ्यास के बिना नहीं हो सकता। कभी ना कभी उन चीजों का अभ्यास किया, तभी तो स्मृति बनी, संस्कार बने। और न पूर्वाभ्यासश्च पूर्व जन्मनि सति। और जब तक कोई पहले जन्म नहीं था, शरीर आदि नहीं हो, तब तक अभ्यास नहीं कर सकता है। शरीर था इसलिए अभ्यास किया इसलिए स्मृतियां बनी। न अन्यथा इति सिद्ध्यति एतत् अवतिष्ठते अयम् अयम् ऊर्ध्वं शरीर भेदात् इति। तो कह रहे हैं इससे ये सिद्ध होता है कि एतत् अवतिष्ठते, ये जो आत्मा है ये इस शरीर के बाद भी रहता है और इससे पहले भी था। इन स्मृतियों से पता लग रहा है कि पहले था, और पहले यदि था तो इस शरीर के भेदन के बाद भी ये रहेगा, तो इससे पता लगता आत्मा नित्य है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है भाई ये हर्ष भय शोक आदि इनको देख करके आप आत्मा को नित्य क्यों मानते हो? ये तो अनित्य चीजों में भी मिल जाते हैं, जैसे कमल आदि खिलता है सुबह शाम को बंद हो जाता है, तो उसमें भी तो विकार हो रहे हैं ना, तो वहां तो कोई पूर्व जन्म का संबंध नहीं है, कोई स्मृति से थोड़ी हो रहे हैं वो विकार। तो बोले ये तो इंद्रियों में विकार हो रहे हैं, हर्ष भय शोक आदि, तो ये तो जड़ इनमें चीजों में भी हो रहे हैं, पद्मादि में भी। वही कह रहे हैं पद्मादिशु प्रबोध सम्मिलन विकारवत तद्विकारः। बोले ये जो हर्ष आदि हैं ये तो विकार हैं, तो इससे आत्मा को नित्य सिद्ध करने में ये कोई हेतु नहीं है कि इसके कारण आत्मा नित्य है। ये तो पद्मादिशु कमल आदि में भी प्रबोध माने उसका खिलना, और शाम को सम्मिलन पंखुड़ियों का मिल जाना, बंद हो जाना, ये तो उसमें भी हो जाता है। तो जैसे वहां विकार हो रहा है वैसे ही तद्वत विकार है, ऐसे इसके इंद्रियों में यमन में हर्ष भय शोक आदि उत्पन्न हो जाते हैं। यथा पद्मादिषु अनित्येषु, जो अनित्य पद्मादि हैं उनमें भी प्रबोध सम्मिलन विकारो भवति, उनमें भी
उनका खिलना, उनका प्रबोध होना और सम्मिलन, उनका अस्त होना, ये विकार देखे जाते हैं। एवं अनित्यस्य आत्मना हर्ष भय शोक संप्रतिपत्तिर विकारस्यात्। ऐसे ही अनित्यात्मा में भी हो सकते हैं ये, तो इनके कारण आत्मा को नित्य मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जैसे कमल आदि अनित्य, उनमें विकार होते हैं, ऐसे आत्मा को अनित्य मानो, और अनित्य आत्मा में भी ये हो सकते हैं हर्ष भय शोक आदि। हेत्वाभावाद अयुक्तम, तो भाष्यकार कह रहे हैं हेतु का अभाव होने से ये अयुक्त है, क्योंकि आपने सीधा दृष्टांत दे दिया पद्मादिशु, तो इसका हेतु तो दिया नहीं। पहले प्रतिज्ञा करो, फिर हेतु दो, फिर आप दृष्टांत दो, तब तो उसको ठीक माना जाएगा। तो यहाँ हेतु तो दिया ही नहीं आपने कि ये किस लिए इनमें प्रबोध और सम्मिलन हो रहा है, तो पहले उसका हेतु तो बताओ। हेतु अभावात अयुक्तम, अनेन हेतुना पद्मादिषु प्रबोध सम्मिलन विकार विकारवत अनित्यस्य आत्मना हर्षादि संप्रतिपत्ति रीति। बोले आप पहले ये बताओ, अनेन हेतुना, इस हेतु से पद्मादिषु, पद्मादियों में, कमलादि में प्रबोध सम्मिलन विकार, प्रबोध और सम्मिलन विकार हो रहा है, और फिर आप बताओ कि प्रबोध सम्मिलन विकारवत अनित्यस्य आत्मना हर्षादि संप्रतिपत्ति रीति। तो जैसे वहां हो रहा है, जिस हेतु से भी हो रहा है, उसी हेतु से यहाँ अनित्य आत्मा में भी हो रहा है, तब माना जाएगा। तो हेतु तो कोई दिया नहीं आपने। न अत्र उदाहरण साधर्म्यात साध्य साधनम हेतु न वैधर्म्यात अस्ति। तो यहाँ कोई हेतु है ही नहीं, न तो आपने साधर्म से कोई हेतु दिया, न तो वैधर्म से कोई हेतु दिया। इसलिए हेतु अभावात असंबद्धार्थकम अपार्थकम उच्यते इति। इसलिए हेतु का अभाव होने से जो आप कह रहे हैं, इन दोनों का कोई संबंध नहीं है, पद्मादियों का और आत्मा के अनित्यत्व का। असंबद्धार्थकम अपार्थकम उच्यते, जिनका आपस में कोई संबंध नहीं होता है वो कैसे कहे जाते हैं, अपार्थकम, व्यर्थ होता है वो। जिनका आपस में कोई संबंध नहीं है तो उसका कथन करना व्यर्थ है। अपार्थकम, हाँ, हेत्वाभास भी है, वो निग्रह स्थान है, निग्रह स्थान है, तो व्यर्थ वही तो होता है ना, निग्रह स्थान व्यर्थ ही होता है ना। तो शाब्दिक अर्थ इसका है कि आप जो कह रहे हैं ये दृष्टांत तो व्यर्थ है, जिसका जिसके साथ संबंध ही नहीं है तो वो दृष्टांत देना तो व्यर्थ हो गया ना, निग्रह स्थान हो गया ना। अब कोई व्यक्ति कहे कि ये जो हवन कुंड में अग्नि है, ये ऐसा ही सागर होता है, समुद्र होता है, तो ये दृष्टांत देना ये तो व्यर्थ हो गया ना, निग्रह स्थान हो गया, क्योंकि इनका आपस में कोई संबंध ही नहीं है अग्नि का और जल का। तो जो आप कह रहे हैं इसमें हेतु नहीं है, और हेतु का अभाव होने से जो कहा जा रहा है वो असंबद्ध होने से व्यर्थ है। दृष्टांताच्च हर्षादि निमित्तस्य अनिवृत्ति। तो ये जो आपने दृष्टांत दिया है हर्षादि के लिए, तो इस दृष्टांत से हर्षादि निमित्तस्य अनिवृत्ति, हर्षादि का जो हमने निमित्त बताया था, हर्षादि का निमित्त क्या बताया था, आत्मा के संस्कार, आत्मा की स्मृतियां और आत्मा का नित्यत्व, तो वो उसकी निवृत्ति नहीं होती है। केवल ये दृष्टांत दे देने से आत्मा के नित्यत्व की निवृत्ति नहीं होती है। याच यम मा सेवितेषु विषयेषु हर्षादि संप्रतिपत्ति स्मृत्यानुबंधकृता प्रत्यात्मं गृह्यते सायं पद्मादि सम्मिलन दृष्टांतेन न निवर्तते। याच यम विषयेषु हर्षादि विषयेषु आसेवितेषु। तो ये जो स्मृति है ये किस लिए हो रही है, हर्षादि के जो विषय थे, हर्ष के, भय के या शोक के, उन विषयों में आसेवितेषु, इस व्यक्ति ने अनुभव किया था, आसेवन किया था उनका, तो उससे स्मृति बनी, संस्कार बने, स्मृति संस्कार बने, और उससे इसको अब संप्रतिपत्ति हो रही है। तो इस संप्रतिपत्ति के स्मृत्यानुबंध कृता प्रत्यात्मं गृह्यते। तो स्मृति के अनुबंध से ये जो हमें हर्ष भय शोक आदि होते हैं ये प्रत्यात्मं गृह्यते, हम सब आत्माओं में इनका ग्रहण होता है, हम सब ऐसा ही करते हैं,
हम किसी चीज से डरते हैं, किसी खास चीज से, तो इसके पीछे कारण क्या है? स्मृति का अनुबंध। जैसे किसी व्यक्ति की, बड़े व्यक्ति की भी मौत पानी में डूब के हुई थी, तो वो इस जन्म में भी पानी के पास जाने से डरता है। किसी की अग्नि में जल के हुई थी तो अग्नि के पास जाने में डरता है। तो ऐसे अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग वस्तु से भय होता है, अलग अलग शोक होते हैं, अलग अलग हर्ष होता है। किसी वस्तु से कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा हर्षित होता है, तो क्यों? क्योंकि उसके अंदर उससे संबंधित किसी विषय का आसेवन करने के संस्कार हैं, इसलिए होता है उसको हर्ष भय शोक आदि। तो बोलिए, ये तो प्रत्यात्म गृह्यते। हम सब छोटे बच्चे में ही नहीं, बड़ों में भी ये तो सब गृहित होता है। तो सा इयम् पद्मादि सम्मिलन दृष्टान्तेन न निवर्तते। तो ये जो स्मृति है और उस स्मृति के कारण ये जो हर्ष भय शोक आदि होते हैं, ये पद्मादि का सम्मिलन और प्रबोध का दृष्टांत देने से इसकी निवृत्ति नहीं होती है। स्मृतियां तो हैं। यथा चेयम् न निवर्तते तथा जातस्य अपीति। और जिस प्रकार ये स्मृति हम बड़ों में निवृत्त नहीं होती है, तथा जातस्य अपीति, ऐसे ही ये जो नवजात शिशु है इसमें भी स्मृति की निवृत्ति नहीं हो सकती है। और स्मृति है तो कोई स्मरता भी है, फिर आत्मा भी है उसके साथ, तो इससे पता लगा कि आत्मा नित्य है। क्रिया जातश्च पर्ण विभाग संयोग प्रबोध सम्मिलने क्रिया हेतुश्च क्रियानुमेयः। तो कह रहे हैं कि यदि हम ये कहें कि क्रिया जातश्च पर्ण विभाग, वहां पर भी वो जो उसका प्रबोध और सम्मिलन हो रहा है वो भी किससे हो रहा है? क्रिया से ही हो रहा है। क्रिया जातश्च पर्ण विभाग, पत्तों का विभाग होना, ऐसे खुल जाना, यही क्या है? प्रबोध। और संयोग यही हो गया सम्मिलन। तो पर्ण विभाग संयोग प्रबोध सम्मिलने, द्विवचन हो गए ना। विभाग मतलब प्रबोध और संयोग मतलब सम्मिलन। क्रिया हेतुश्च क्रियानुमेय, तो वो भी किसी क्रिया के हेतु से ही हो रहे हैं। कौन सी क्रिया के हेतु से हो रहे हैं? वो सूर्योदय और सूर्यास्त की क्रिया से हो रहे हैं। जब जब सूर्योदय होता है तो उसका प्रबोध हो जाता है, खुल जाते हैं वो, और जब उस सूर्य का अस्त होता है तो उनका सम्मिलन हो जाता है। तो उसमें क्या है? क्रियानुमेय। वहां पर भी क्रिया का अनुमान प्रमाण से जानना चाहिए, क्रियानुमेय, क्योंकि वो क्रिया से हो रहे हैं। एवं च सति किम दृष्टान्तेन प्रतिसिद्ध्यते। तो जब हम आपसे पूछते हैं कि वहां पर भी क्रिया से ही हो रहा है, वो ऐसे नहीं हो रहे हैं बिना किसी निमित्त के, बिना किसी हेतु के, तो हम आपसे पूछते हैं कि ये दृष्टांत दे करके आप क्या प्रतिषेध करना चाहते हैं? किस चीज का प्रतिषेध किया आपने? अर्थात किसी का भी नहीं। आत्मा की नित्यता का प्रतिषेध करना चाह रहे थे, लेकिन आत्मा की नित्यता का प्रतिषेध इस दृष्टांत से नहीं कर सकते हैं, नहीं किया जा सका। कुछ भी तो प्रतिसिद्ध नहीं किया गया आपके द्वारा। अथ निर्निमित्त पद्मादिषु प्रबोध सम्मिलन विकार इति मतम एवं आत्मनोपि हर्षादि संप्रतिपत्तिरिति तच्चन है। और यदि आप यूं कहो कि नहीं, वहां कोई क्रिया आदि से नहीं हो रहा है, बल्कि वहां तो प्रबोध सम्मिलन की कैसे हो रहा है? निर्निमित्त। अथ निर्निमित्त पद्मादिषु प्रबोध सम्मिलन विकार इति। यदि आप ऐसे कहें कि पद्मादि में जो प्रबोध सम्मिलन हो रहा है वो तो निर्निमित्त है, ऐसे ही हो रहा है, उसका कोई कारण नहीं है, तो कह रहे इति मतम एवं आत्मनो अपि हर्षादि संप्रतिपत्ति, ऐसे ही आत्मा में भी हर्षादि की संप्रतिपत्ति हो रही है बिना ही निमित्त के, उसमें पीछे की कोई स्मृति या संस्कार रहे हो ऐसा कुछ नहीं। ऐसा यदि मानो तो ना, तो ये आपका मानना उचित नहीं है, क्योंकि नोषण शीत वर्षा काल निमित्तत्वात् पंचात्मक विकाराणाम। तो सूत्र में कहा तच्च न, ये कहना उचित नहीं है, क्योंकि उष्ण शीत वर्षा काल निमित्तत्वात्, ये जितनी भी ऋतुएं आती हैं ये सूर्य की गति ही उसमें निमित्त है, तो इन सब का निमित्त होने से
पंचात्मक विकाराणाम, पंचभूतों में ये विकार होते हैं, माने ये भी निर्निमित्त ऋतुएं नहीं आती हैं, इनका भी कोई निमित्त है। पांच भूतों में जो विकार दिखाई देते हैं, कभी सर्दी आती है, कभी गर्मी, कभी वर्षा, तो ये निर्निमित्त नहीं है। तो जैसे ये विकार निर्निमित्त नहीं है, ऐसे आत्मा के भी हर्ष भय शोक आदि निर्निमित्त नहीं है। उष्णादिषु सत्सु भावात् असत्सु अभावात् तन्निमित्तः पंचभूतानुग्रहेण निर्वृत्तानां पद्मादीनां प्रबोध सम्मिलन विकारा इति न निर्निमित्तः। तो यहाँ एक से और लगा लो, है ना। उष्णादिषु सत्सु भावात् असत्सु अभावात्, द के बाद एक से और आएगा ना, असत्सु ऐसे होना चाहिए, भावाद स, द के बाद स पूरा करें। ये उष्णादि जो ऋतुएं हैं, ये भी सत्सु भावात निमित्त के होने से इनका भाव होता है, असत्सु अभावात वो निमित्त ना हो यदि तो ऋतु आदि नहीं होंगी। असत्सु अभावात तन निमित्तः माने उस हेतु के निमित्त से ही पंचभूतानुग्रहेण, पंचभूतों के अनुग्रह से निर्वृत्तानाम उत्पन्न होने वाले ये जो उष्णादि हैं, ये पद्मादि नाम प्रबोध सम्मिलन विकारा इति न निर्निमित्ता। जैसे ये उष्णादि बिना निमित्त के नहीं हो सकते हैं, पांच भूतों के जो विकार ये उष्णादि शीत उष्ण आदि ये निर्निमित्त के नहीं होते हैं, ऐसे ही पद्मादियों में प्रबोध सम्मिलन विकारा न निर्निमित्ता। तो ऐसे ही पद्मादि में भी जो प्रबोध और सम्मिलन हो रहा है वो निर्निमित्त नहीं है, वो भी सनिमित्त है। एवं इस प्रकार से हर्षादयो अपि विकारा निमित्ताद् भवितुम अर्हन्ति। इस प्रकार से ये जो हर्ष भय शोक आदि जो विकार हैं, ये भी निमित्ताद् भवितुम अर्हन्ति, किसी निमित्त से ही हो सकते हैं, निर्निमित्त नहीं हो सकते। ऋतुएं निर्निमित्त नहीं हैं, पद्मादि का प्रबोध सम्मिलन निर्निमित्त नहीं है, ऐसे ही इन आत्माओं में भी हर्ष भय शोक आदि जो विकार दिखाई दे रहे हैं, ये भी किसी निमित्त से ही हैं, न निमित्तम अंतरेण, बिना निमित्त के ये हो नहीं सकते हैं, तो जरूर कोई ना कोई निमित्त होगा इनका भी। न च अन्यत् पूर्वाभ्यस्तः स्मृत्यनुबंधात् निमित्तम् अस्ति इति। और वो निमित्त क्या हो सकता है, जो पहले का अभ्यास है उस अभ्यास के बिना और स्मृत्यनुबंधात् और स्मृति के अनुबंध के बिना और कोई निमित्त इसका नहीं हो सकता, अर्थात वही निमित्त हैं। अनुबंधात् निमित्तम् अस्ति इति, पहले किया हुआ अभ्यास और उस अभ्यास से बनी हुई स्मृतियां वो ही इसके निमित्त हैं, अन्यत और कोई निमित्त नहीं है। न च उत्पत्ति निरोध कारणानुमानां आत्मनो दृष्टान्तात् न हर्षादीनां निमित्तम् अंतरेण उत्पत्ति ही। न च उत्पत्ति निरोध कारणानुमानानां, सॉरी कारणानुमानम् आत्मन दृष्टान्तात्। तो वो क्या हो सकता है, पूर्व के अभ्यास और उन अभ्यासों की अनुस्मृति निमित्त है, तो कह रहे हैं वो तो न च उत्पत्ति निरोध कारणानुमानम्, इनकी उत्पत्ति और इनके निरोध का जो कारण वो आत्मनः, आत्मा के अतिरिक्त और क्या हो सकता है, आत्मा ही है। आत्मनो दृष्टान्तात् न हर्षादीनाम निमित्तम अंतरेण उत्पत्ति ही। तो उस आत्मा के जो जो भी अभ्यास रहे होंगे और उससे जो स्मृति बनी है, उसके अतिरिक्त हर्षादि का और कोई निमित्त नहीं हो सकता है। हर्षादि नाम निमित्तम अंतरेण उत्पत्ति, हर्षादि की उत्पत्ति में अन्य कोई निमित्त
और नहीं हो सकता है, आत्मा ही निमित्त है। न उष्णादि निमित्तांतरोपादानम हर्षादीनाम तस्माद् अयुक्तम एतत्। और कह रहे हैं ये जो उष्ण आदि के निमित्त हैं जैसे पंचभूत, न उष्णादिवत निमित्तांतरोपादानम, जैसे हर्षादि जैसे उष्ण आदि का निमित्त है पंचभूतों के विकार और कोई उसका निमित्त नहीं हो सकता है, वैसे ही हर्षादि नाम निमित्तम अंतरेणोत्पत्ति न, ऐसे ही जो ये हर्षादि हो रहे हैं ये आत्मनः आत्मनः निमित्तम अंतरेण उत्पत्ति न, ऐसे ही आत्मा के अनुभवों के बिना इन निमित्तों की उत्पत्ति, इन हर्षादियों की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती है। उष्णादि के निमित्त जैसे पंचभूतों के विकार हैं, ऐसे ही इस नवजात शिशु में हर्ष भय शोक आदि हो रहे हैं, तो इसमें आत्मा के संस्कार और उन संस्कारों से बनी स्मृतियां ही निमित्त हैं, उसके बिना नहीं हो सकता है। तो तस्माद् अयुक्तम एतत्, तो ये जो आपने कहा था कि निर्निमित्त ही हो रहा है प्रबोध सम्मिलन, ये उचित नहीं है। इतश्च नित्य आत्मा, और एक हेतु दे रहे हैं, इस कारण से भी आत्मा नित्य है। प्रत्याहार अभ्यास कृतात् स्तन्याभिलाषात्, बोलिए ये जो बच्चा है ये प्रत्याहार अभ्यास कृतात्, प्रेत मतलब यहां से जो चला गया प्रेत आत्मा, हाँ, और वहां से फिर आ गया वापस जन्म लेना, मर करके पुनः जन्म लेना, प्र इत आगत पहले आया था ना, तो ये जो मरने के पश्चात आहार अभ्यास कृतात्, आहार का अभ्यास करता है, मतलब पैदा होते ही कोई भी बच्चा कुछ खाना चाहता है, तो इससे क्या पता लग रहा है कि पिछले जन्म में आहार का अभ्यास किया है। स्तन्यभिलाषात्, पैदा होते तो और क्या खाएगा, दुग्ध पान करता है माँ का, स्तन पान करता है, तो चाहे मनुष्य का बच्चा है चाहे पशु का बच्चा है, वो पैदा होते ही जैसे गाय आदि का बछड़ा पैदा होते ही वो ढूंढता ढूंढता चारों तरफ फिर माँ के स्तन के पास जाके पीने लगता है उसको, तो ये अभ्यास उसको कैसे हुआ, इस जन्म में तो हुआ नहीं, तो इससे पता लगता है कि पिछले जन्म में जो आहार की कुछ खाने का अभ्यास बना हुआ है, इसलिए इस जन्म में भी पैदा होते सबसे पहले खाने का ही काम करता है पूरी रुचि खाने में होती है और कोई ध्यान भजन नहीं करता है, पैदा होते ही खा के फिर अपने सो जाता है। योगी का भी जन्म, मनुष्य शरीर में जन्म, उनका भी तो भोजन में ही जाएगा क्या, ना दूसरा कुछ रुचि होगा, एक्सेप्शन हो सकते हैं इसमें। तो आप करके देखो भैया, पहले आप योगी बनो और फिर अगले जन्म में देखो कि आपका दुग्ध पान की इच्छा होती है कि नहीं, और फिर आप हमें बताओ। कुछ तो लेता ही है, योगी भी लेता ही है, तो इतने तो अभ्यास उसके बनते ही हैं, कुछ तो खाएगा ही, चलो वो राग युक्त होके नहीं खाएगा मान लो, पर खाने का संस्कार तो बनेगा ना, तो उस संस्कार से वो अगले जन्म में पैदा होते ही कुछ खाना तो चाहेगा, बेशक वो राग युक्त होके ना खाए। तो समय हो गया, इसका भाष्य फिर हम कल पढ़ेंगे। ओ शांति 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 ही श्री गुरुभ्यो नमः।